दोस्तों, तो फाइनली बॉलीवुड की सबसे बड़ी प्रोड्यूसर, सबसे बड़ी डायरेक्टर यानी ऋतिक कपूर ने सुम्बी टोकर खान की पूरी जिंदगी बदल कर रख दी है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि सुम्बी टोकर खान के साथ अब इस हफ्ते कुछ ऐसा होने जा रहा है जो अब तक सुम्बी टोकर खान के साथ कभी भी नहीं हुआ है और ना ही सुम्बी टोकर खान ने इसके बारे में कभी सोचा भी होगा। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि जब आप सब इस खबर को सुनेंगे तो आप सब भी हैरान हो जाएंगे। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि बिग बॉस में इस बार ऋतिक कपूर और उनके साथ कार्तिक अपनी फिल्म की प्रमोशन करने के लिए आ रहे हैं और जैसे ही बिग बॉस के सेट पर एकता कपूर आती हैं तो पहुंचते ही आपको बता दें कि एकता कपूर सुम्बी टोकर खान को कुछ ऐसा ऑफर कर देती हैं जिसे सुनकर सुम्बुल भी हैरान हो जाती हैं और खुशी से पागल हो जाती हैं। आखिर क्या है पूरी खबर, आखिर एकता कपूर सुम्बी टोकर खान को ऐसा क्या ऑफर कर देती है जिसे सुनकर सुम्बुल हैरान हो जाती है, चलिए आपको बताते हैं इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि बिग बॉस से जुड़ी हर बड़ी खबर के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जी हां दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि एकता कपूर जब बिग बॉस के सेट पर पहुंची तो एकता कपूर ने आते ही सुम्बुल को कहा कि मैं तुम्हें कुछ ऑफर करना चाहती हूं, जिसके बाद एकता कपूर सुम्बुल टोकर खान को कहते हैं कि सुम्बुल, मैंने ये सोचा था कि मैं तुम्हें धर्मपत्नी सीरियल में लीड रोल में लूंगी, लेकिन जब मुझे पता चला कि तुमने बिग बॉस के लिए हां कर दिया है तो मैं उसके बाद काफी दुखी भी हो गई थी। लेकिन इसके बाद आपको बता दें कि सुम्बुल टोकर खान एकता कपूर के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर हैरान हो जाती हैं और एकता कपूर को थैंक यू कहने लगती हैं। लेकिन आपको बता दें कि इसी के साथ साथ एकता कपूर यहां पर सुम्बुल टोकर खान को कहते हैं कि जैसे ही तुम बिग बॉस से बाहर आओगी तो मैं तुम्हें धर्मपत्नी सीरियल में, जिसमें तुम्हारे दोस्त फरमान खान लीड रोल में है, उसी में एंटर करवा दूंगी। और इतना नहीं, आपको बता दें कि एकता कपूर ने यह भी कहा कि अगर मैं उस सीरियल में तुम्हें चांस नहीं दे पाई, कास्ट नहीं कर पाई, तो मैं तुम्हारे लिए एक अलग से सीरियल बनाऊंगी जो कि कलर्स टीवी का एक सबसे बड़ा सीरियल होगा। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इसमें कितनी सच्चाई है ये तो आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा। आपको इसके बारे में क्या कुछ कहना है हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और बिग बॉस से जुड़ी हर बड़ी खबर के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।